हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कब हम कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। कल हम लोगों को यहाँ से निकलना है। मैं हूँ भाभी के दूसरे रूम में। हमें एक वीडियो एडिट करना था, जस्ट अभी चले आए हैं। यहाँ पर ना मुझे बहुत बड़ी सी मकड़ी हो गई थी, बट अभी ठीक है। फीवर की वजह से जो होता है, आप लोगों को यहाँ क्या बोला जाता है, हम लोगों के यहाँ मकड़ी ही बोलते हैं। पूरा पानी भर जाता है ना, खूब दर्द करता है, बट अभी सूख गया है तो ठीक है। लिपस्टिक लगा लेते हैं तो छुप जाता है, पता नहीं चलता है। और जेठ जी घर पे ही हैं क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो इसलिए वैसे बोलते नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ ऐसे रखा हुआ है। बोलते बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हम जैसे भी रहे बड़े भाई की तरह रखते हैं। हमारे दोनों जेठ जेठानी बहुत ही ज़्यादा सही हैं। सच कह रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं मेरी भाभी। आपने कल का वीडियो देखा कि नहीं, मैं सो रही थी, सिर दर्द हो रहा था, सो नहीं रही थी, बस ऐसे लेटी थी तो लाके ऐसे एक मतलब सिर दबाने लगी और बोल रही सिर पे तेल रख दो। मैंने कहा नहीं, मुझे वीडियो बनाना है, तेल मत रख दिए। तो ऐसे ही मालिश कर रही थी। आज के ज़माने में ऐसी फैमिली कहाँ मिलती है ना, लेकिन हमारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। सो बातें हो गई बहुत सारी, अब चल चलते हैं दूसरे घर में जहाँ पर भाभी भैया सब हैं। एक रूम ऐसे खाली रहता है, जब कोई आता है तो इसी में रहता है, तो चलो चलते हैं उस रूम में। अभी हम बोलेंगे नहीं क्योंकि आजू बाजू भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं। मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों यार, मैं कैमरा शाई नहीं बोल सकती, लोगों के सामने नहीं बात कर सकती हूँ, कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है। तो अभी चलते हैं वहाँ घर, वहाँ चल के बात करते हैं, ठीक है, बाय। तो सबसे पहले मैं लाइट और फैन ये सब बंद कर दे रही हूँ क्योंकि इस रूम में कोई रहता नहीं है, जब कोई गेस्ट आता है तभी रहता है। तो चलो यहाँ पर सारी चीज़ें देख लो भाभी, और श्रद्धा काट के रखी हैं, जैसे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, पनीर, टमाटर, ये सब कुछ यहाँ पर उन्होंने तेल रख दिया, गर्म हो गया तो उसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा। जीरा जैसे ही क्रैक होगा तो इसमें डाल देंगे, गार्लिक चिली एंड थोड़ा सा अदरक। इसे बनाना है पिज्ज़ा सॉस, तो जैसे इसका कलर चेंज होगा, मैं भी देख देख के ही बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया हुआ है, लेकिन हाँ मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। इतनी ज़्यादा यमी थी कि क्या बताऊँ, तो मैंने सोचा मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो इसमें टमाटर काट के डाल दिया गया। अब टमाटर जैसे ही सॉफ्ट होगा तो इसमें डाल देंगे नमक और थोड़ा सा हींग। तो ये देखिए, और इसके बाद इसको निकाल के रख लेंगे, जैसे ही ठंडा होगा इसको पीस लेंगे। ये पिज़्ज़ा जब आप बनाने लगो ना तो उसी टाइम यूज होता है। तो ये देखिए, अब इसको निकाल के रख लिया गया, अब पीस लेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए तो पीस लेंगे। सारी चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं पकानी है, आप देख रहे हो थोड़ा सा ही पका हुआ है। अब इस साइड में दूसरी कढ़ाई रख दी गई है, तेल डाल दिया गया। अब आपको शिमला मिर्च थोड़ा सा सॉटे करना है, ज़्यादा आपको नहीं पकाना है ताकि इसका क्रंचीनेस जो है ना वो रह जाए, नहीं तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होगा। तो बस आपको हल्का सा सॉटे करना है ताकि जो कच्चापन है वो चला जाए। बस थोड़ा सा नमक डाल देना है। कैसा लगा वीडियो आपको बताना ज़रूर। और हाँ, मेरी भाभी की रेसिपी आपको कैसी लगी? घर पे आप आसानी से बिना ओटीजी, बिना माइक्रोवेव, इस तरीके से तवा पिज्ज़ा बना सकते हो जो कि इतना ज़्यादा यमी होता है। आपको कुछ भी बाहर से नहीं लेना होता, सब आपके किचन में ईजिली अवेलेबल होता है। तो बस अब आपको निकाल लेना है। इसी तरीके से आपको सब कुछ तल के निकाल लेना है, सॉटे करके, तलना नहीं है। जैसे प्याज और पनीर, ये सब टॉपिंग के लिए है, जो पिज़्ज़ा के ऊपर लगाई जाती है उसके लिए है। बाकी अभी आपको और दिखाते हैं, जो सॉस के ऊपर लगाई जाती है वो दूसरे तरीके से बनाई जाएगी, उसमें थोड़ा सा मसाला वगैरह डाला जाता है। तो बस यहाँ पर पनीर भी फ्राई हो गई है, टमाटर भी हल्का सा, बस उसका कच्चापन निकल जाए, इतना ही आपको फ्राई करना है। इसके बाद यहाँ पर पत्ता गोभी और टमाटर, शिमला मिर्च, ये सब आपको फ्राई करके, यहाँ तो जो टॉपिंग के लिए था उसे निकाला गया, यहाँ पर आप देख लीजिए पत्ता गोभी और शिमला मिर्च,
बाकी सारी चीज़ें डाल दी गई हैं कुछ देर के लिए। इसे पकाना होता है आपको। अब इसमें आपको डालना है नमक। श्रद्धा बना रही है यानी शलोनी, और जो मैं आज देख रही हूँ ना, तो मेरा मन कर रहा है कि मुझे भी बनाना चाहिए। थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ही डालना है। आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है, बट कलर अच्छा लगने लगता है हल्दी डाल देने से। अब इन सबको अच्छे से मिला लेना है। और लास्ट में आपको थोड़ा सा नमक डाल देना है। नमक आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। तो ये देखिए कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। बस थोड़ा सा मसाला, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसे डालना है। अब जो स्टार्टिंग में बनाया गया था पिज्ज़ा सॉस, उसे अब यहाँ पर पिज्ज़ा बेस लेना है। इजली मार्केट में अवेलेबल होता है। इसको आपको अच्छे से सेकना होता है बटर लगा के। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपको पलट के ऐसे ही दोनों साइड से सेक लेना है। अगर गोल्डन ब्राउन नहीं होगा तो क्रंचीनेस बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो गोल्डन ब्राउन तक आपको पिज्ज़ा बेस रखना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और हाँ, आपको बटर ही लेना है। इसके बाद ये देखिए चार टुकड़ों में काट दिया गया। अब इसके ऊपर लगाया जा रहा है पिज़्ज़ा सॉस, जो कि होममेड है। आपने देखा ही, रेसिपी हमने शेयर कर दी कैसे बनी हुई है। अब इसके ऊपर लगाई जा रही है जो सब कुछ मिला जुला के पकाया गया था, मसाला डाल के। अब इसके ऊपर आपको रख देना है जो आपने फ्राई किया हुआ था, उसे सजा के। ये देखिए, और इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना, मार्केट का खाना आप भूल जाओगे अगर आप एक बार घर बनाओगे। अब इसके बाद यहाँ पर चीज़ भर भर के आपको चीज़ डालना है। जितना ज़्यादा चीज़ रहेगा उतना ही ज़्यादा ये चीज़ी और खाने में लाजवाब रहेगा। तो बस हो गया। ये देखिए, अब इसको आपको ढक के सेक लेना है। चीज़ खूब ज़्यादा डाली गई थी। बस तवा लेना है आपको कुछ इस तरीके से, फ्लेम मीडियम रखनी है। ये देखिए मेल्ट हो गया ना, कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है। अब आप कोल्ड ड्रिंक के साथ, जूस के साथ, जिसके साथ आपको लेना पसंद हो, हम लोग कोल्ड ड्रिंक के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर तैयार है हमारा गर्मा गर्म पिज्ज़ा और एकदम ठंडा ठंडा चील्ड कोल्ड ड्रिंक। तो आ जाओ आप सभी लोग। पहले तो हमने कुछ इस तरीके से प्लेटिंग की हुई थी, बट बाद में कुछ इस तरीके से देखिए टिशू वगैरह लगा के, कि अरे भैया मतलब घर पे खा रहे हो तो बाहर वाली फीलिंग आनी चाहिए। और भाभी दे दी हमें कि पहले टेस्ट करो कैसा है। सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा चीजी था, कैसे बताऊँ मैं आपको, बता नहीं सकती कितना ज़्यादा यमी था। तो पिज्जा पार्टी तो हो गई, आप लोगों ने रेसिपी देख ली। अब हम लोग आ गए हैं फिर से इस रूम में, भाभी के इस रूम में, कुछ देर लेटने। अभी कोई काम नहीं होने वाला। भाभी बोलिए थोड़ी देर आप लोग सब लोग आराम करेंगे, इसके बाद बनेगा लंच। लंच में सिंपल सा दाल चावल आज भाभी बिना नहलाए हम लोगों को खिला दी। और पता है यार, इतना सिर में दर्द हो रहा है कि क्या ही बताएं। जब से आए हैं ना, कहीं हम लोग निकल भी नहीं रहे हैं, ज़्यादा घूम नहीं रहे हैं। आप वीडियो देख ही सकते हो, ब्लॉगिंग कहीं ज़्यादा ऐसा नहीं है। और डर लग रहा है कोरोना केसेस इतना ज़्यादा, न्यूज़ वगैरह पढ़ के। तो बस भैया भाभी के साथ हैं, निकले थे हम लोग लोनावला दीप लिवा के गए थे, बट हमें कुछ खास समझ नहीं आया तो इसलिए हम चले आए वहाँ से। आप लोगों ने वीडियो भी देख लिया। और आज हम लोगों को निकलना है, सोच रहे हैं यहाँ से निकल जाएंगे। कल हम लोगों को जाना है यहाँ से, बट भाभी बोल रही हैं आज नहीं जाना है, आज यहीं रहना है। लेकिन अगर यहाँ रुक जाएंगे तो काफ़ी सारा काम हमारा पेंडिंग में पड़ जाएगा। और हमें एक दो यूट्यूबर हैं उनसे भी मिलना है। आने से पहले ही हमने उनसे बोल दिया था कि आएंगे आएंगे, और अभी हो हम उनको यहाँ बुला नहीं सकते हैं क्योंकि उनके यहाँ से उल्टा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ये घर हमारा। तो बस इसीलिए देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल तो अभी आराम करेंगे, कुछ देर बाद उठेंगे तब नहाएंगे। नींद बहुत तेज़ से आई हुई है, रात में इतनी
लंबी पार्टी चली थी सबकी कि पूछो ही मत। तो रात में सब लोग काफ़ी ज़्यादा देर तक गॉसिप किए थे, फिर सुबह लेट भी सब उठे थे। अभय का क्लास होता है 8:30 पे, उससे पहले सब लोग उठ गए थे। ऑनलाइन क्लासेस हैं अभय की, इसके बाद सलोनी की होती है। तो चलो हम बात करते हैं आप लोगों से कुछ देर बाद, ओके? तब तक के लिए बाय।